एक बेटा अपने वृद्ध पिता को रात्रि भोज के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर गया खाने के दौरान वृद्ध पिता ने कई बार भोजन अपने कपड़ों पर गिराया रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे खाना खा रहे लोग वृद्ध को घृणा की नज़रों से देख रहे थे लेकिन वृद्ध का बेटा शांत था खाने के बाद बिना किसी शर्म के बेटा वृद्ध को वॉशरूम ले गया उनके कपड़े साफ़ किए उनका चेहरा साफ़ किया उनके बालों में कंघी की चश्मा पहनाया और फिर बाहर लाया सभी लोग खामोशी से उन्हें ही देख रहे थे बेटे ने बिल पे किया और वृद्ध के साथ बाहर जाने लगा तभी दिन कर रहे एक अन्य वृद्ध ने बेटे को आवाज़ दी और उससे पूछा क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहां अपने पीछे तुम कुछ छोड़कर जा रहे हो बेटे ने जवाब दिया नहीं सर मैं कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा उद्धरण चिन्ह वृद्ध ने कहा बेटे तुम यहां छोड़कर जा रहे हो प्रत्येक पुत्र के लिए एक शिक्षा सबक और प्रत्येक पिता के लिए उम्मीद आशा उद्धरण चिन्ह आमतौर पर हम लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ बाहर ले जाना पसंद नहीं करते और कहते हैं क्या करोगे आपसे चला तो जाता नहीं ठीक से खाया भी नहीं जाता आप तो घर पर ही रहो वही अच्छा होगा क्या आप भूल गए जब आप छोटे थे और आपके माता पिता आपको अपनी गोद में उठाकर ले जाया करते थे आप जब ठीक से खा नहीं पाते थे तो माँ आपको अपने हाथ से खाना खिलाती थी और खाना गिर जाने पर डांट नहीं प्यार जताती थी फिर वही माँ बाप बुढ़ापे में बोझ क्यों लगने लगते हैं माँ बाप भगवान का रूप होते हैं उनकी सेवा कीजिए और प्यार दीजिए क्योंकि एक दिन आप भी बूढ़े हो गए